हम आपको बता रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के न्यूज़ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी वर्तमान में यूजीसी नेट की एग्ज़ाम ले रही है, इंट्रेंस टेस्ट की एग्ज़ाम ले रही है। इसके अलावा जी एग्ज़ाम या मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट की भी जिम्मेदारी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मिली हुई है। यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक नई खुलासा हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब जो भारत के नामी विश्वविद्यालय हैं जैसे BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो इस तरह के जो नामी विश्वविद्यालय हैं, अब नामी विश्वविद्यालयों के PhD और MPhil प्रवेश परीक्षा के लिए भी जो है पेपर सेटिंग करेगी। यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों की परीक्षा परिणाम में भी बदलाव करने जा रही है। हाँ साथियों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। यानी कि जो वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के द्वारा प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो सिलेबस में बदलाव करने वाली है। ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चूँकि जो नेट का मतलब क्या होता है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में सहायक प्राध्यापक बनने की जो मिनिमम योग्यता है वो योग्यता के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करती है। इसलिए यदि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में आप सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं तो NTA द्वारा आयोजित UGC नेट की एग्ज़ाम पास करना जरूरी है। उसमें से PhD में JRF की भी व्यवस्था है। यदि आप PhD करना चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये NTA द्वारा UGC नेट के एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसके माध्यम से आपको जो है PhD में एक फेलोशिप प्राप्त होता है। फेलोशिप वो भी अच्छी उसमें फेलोशिप रहती है, जैसे कि 38,000 से 39,000, 38,000 से लेकर 40,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलती है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है। तभी वो मिलती है जब UGC नेट में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। यानी कि जब सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपको JRF मिलता है, यानी कि PhD करेंगे तो आपको प्रति माह पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अच्छी खासी। दूसरी बातें ये है कि चूँकि नेट और JRF वालों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित PhD और MPhil में इंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि जो UGC नेट क्लियर कर चुका है तो उन्होंने जो MPhil PhD के जो इंट्रेंस टेस्ट की है उससे बेहतर परीक्षा पास किया है, इसलिए जो है उन्हें दोबारा PhD जब प्रवेश लेता है या MPhil में प्रवेश लेता है तो उन्हें जो है इंट्रेंस टेस्ट बैठना नहीं पड़ता बल्कि पात्र माना जाता है। तो इसलिए यदि कोई नेट और JRF क्लियर नहीं है तो यदि वो PhD करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एंट्रेंस टेस्ट में बैठना पड़ता है। यानी कि PhD और MPhil के प्रवेश परीक्षा में बैठना पड़ेगा, उसमें 50% मार्क्स आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप PhD और MPhil में एडमिशन मिल सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन अब NTA का कहना है कि NTA ये कह रही है कि जो भी प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाते हैं PhD और MPhil के लिए उसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो इसलिए NTA ने जो है अपनी खाका तैयार कर ली है, मतलब परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करेगी और साथ ही साथ उन्होंने जो है अपनी खाका भी तैयार कर लिया है। और पहले चरण में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ने सभी बड़े विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया को सुधारने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब पूरे भारत में ऐसा लगता है कि कुछ वर्ष बाद यदि NTA के ये जो खाका तैयार किया हुआ है, ये जो सोच है, यदि पूरे भारत के सभी विश्वविद्यालयों में लागू हो जाता है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, यदि NTA के द्वारा
सभी विश्वविद्यालयों की यदि एक बार परीक्षा हो जाती है, जिस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट की परीक्षा ले रही है, वैसे ही पूरे भारत में यदि मान लीजिए वो प्रवेश परीक्षा आयोजित कराती है या उनका अपना सिलेबस हो, तो उस सिलेबस के आधार पर यदि विश्वविद्यालय मान लीजिए प्रवेश परीक्षा ले रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें उच्च शिक्षा जो शैक्षणिक है, एजुकेशनल क्वालिटी है, इसमें सुधार आएगी, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या करिए, देखिए पहले चरण में एनटीए ने सभी बड़े विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया को सुधारने का फैसला लिया है। इसके बाद वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं में भी सुधार होगा। ये केवल प्रवेश परीक्षा में नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों के जो परीक्षाएं आयोजित किए जाते हैं उसमें भी सुधार करने की सोच रही है। मतलब सिलेबस बनाना चाह रही है कि अच्छे बेहतर सिलेबस हो, उसमें एग्जाम का जो पैटर्न है वो ठीक ठाक हो, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस पेपर की जो मेथड है वो भी बेहतर हो। इस बात की ओर जो है एनटीए जो है ध्यान दी है, जो स्वागत योग्य है। और ख़ास बात यह है कि एनटीए के विशेषज्ञ स्थानीय तौर की समस्याओं को देखते हुए अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग एग्जाम प्लान तैयार करेगी। साथियों, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। एनटीए के विशेषज्ञ स्थानीय तौर की समस्याओं को देखते हुए अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग एग्जाम प्लान तैयार करेंगी, जिससे छात्रों को कोई समस्या भी न हो। यहाँ पर छात्र हित को ध्यान में रखकर इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। विशेषज्ञों को इसके लिए एजेंसी के एक्सपर्ट की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो भी विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट हैं, उस एक्सपर्ट को जो है वो एजेंसी ट्रेनिंग भी देगी। इस काम में ETS विदेशी संस्थान एजेंसी, जिसको ETS कहते हैं, की मदद करेगा, और देश में परीक्षाओं के लिए नया सिस्टम तैयार किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ETS से भी सहायता मिलेगी, मतलब विदेशी संस्थान एजेंसी है वो भी सहायता करेगी, और देश में परीक्षाओं के लिए नया सिस्टम तैयार किया जाएगा। यहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय भी NTA से अपने यहाँ परीक्षा सुधार के लिए मदद ले सकेंगे। यानी कि NTA अब ऐसी संस्था हो गई है, ऐसी एजेंसी हो गई है, जो भारत के चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, या फिर निजी विश्वविद्यालय हो, वो जब चाहे तब, चाहे उसमें सिलेबस में बदलाव करने की बात हो, प्रवेश परीक्षा की मोड की बात हो, या उसमें जो सिलेबस है, परीक्षा आयोजित करने की जो उसकी जो खाका है, वो समस्त जानकारी NTA से लिया जा सकता है। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी खबरी है। लेकिन NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो टीम वर्क है वो बेहतर होना चाहिए, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। चूँकि आज NTA के जो एक्सपर्ट बनने के लिए भी जो है विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं, स्कूल के जो लेक्चरर हैं या विषय विशेषज्ञ हैं, वो भी होड़ लगी हुई है कि NTA में स्थान प्राप्त किया जाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में एक्सपर्ट के रूप में हमारी नियुक्ति हो जाए। यदि एक्सपर्ट की जो खूबी है वो बेहतर होगी, तो स्वाभाविक सी बात है उसके परिणाम भी बेहतर होंगे। यदि मान लीजिए NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यदि एक्सपर्ट नियुक्ति में या एक्सपर्ट के चयन में गड़बड़ी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है उसका परिणाम भी गलत आएगी, और इससे जो देश में हम क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहते हैं, विशेषकर हायर एजुकेशन में जो हम क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए सोच रहे हैं, वो भी सपना ख़त्म हो जाएगा और वही का वही रह जाएगा। जो पुरानी सिस्टम है उससे तो बेहतर होगा, क्योंकि बदलाव करने से छात्रों को भी, टीचर को भी, या विश्वविद्यालय को भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय जब मन चाहे तब किसी सिलेबस को चेंज कर दे, या पैटर्न को चेंज कर दे, या सिलेबस में बहुत सारे हेरफेर कर दे। ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालय को ये क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही उन्हें करना पड़ता है। तो इसलिए जो है केवल NTA बोल रही है या सोच रही है, इससे बेहतर है कि जनमत संग्रह करा लिया जाए छात्रों से। हर काम जनमत संग्रह होनी चाहिए। हमारे देश में भारत एक विशाल देश है,
हम अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन यदि सरकार के अलावा जो हमारे जो प्रशासनिक क्षमता है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसमें जनमत संग्रह लेने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। हाँ ठीक है, जनमत संग्रह से तात्पर्य हमारा वोटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ऐसे विज्ञापन जारी करना चाहिए, विज्ञप्ति जारी करना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और छात्रों से पूछा जाना चाहिए कि ये जो किया जा रहा है वो ठीक रहेगा या ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय छात्रों के हित के लिए ही जो भी पॉलिसी बनाएगी छात्र ही उसको ग्रहण करेंगे। और जो कंज्यूमर हैं हमारे देश की, जो शैक्षणिक स्तर का कंज्यूमर है वो स्टूडेंट है, और कंज्यूमर को ध्यान में रख कर ही जो है पॉलिसी तैयार की जानी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित कर लें। और स्टूडेंट को भी ये मांग होनी चाहिए कि हर मामले में, चाहे वो MHRD डिपार्टमेंट हो या UGC हो, NTA हो, जितने भी संस्था बने हुए हैं, सारे संस्थाओं में जो कंज्यूमर है कंज्यूमर से पूछना चाहिए, कंज्यूमर का सहायता लेना चाहिए, इसलिए जनमत संग्रह किया जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। यदि मेरे मत से आप सहमत हैं तो आप हाँ कहें, यस कहें, यदि आप सहमत नहीं हैं जनमत संग्रह पर नो कहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। और यदि आप हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।